खमरिया भदोही से नेहाद पत्रकार की रिपोर्ट। बोल मोहम्मदी या हुसैन की बुलंद सदाओं के बीच इमाम चौकियों पर बिठाई गए छोटे ताजिया। भदोही खमरिया में हवा में लहराते सब्ज परचम के बीच बोल मोहम्मदी या हुसैन की गूंजती सदाएं, मैदान करबला की आग में फने सितमगिरी के उमदा प्रदर्शन के बीच मरसिया पड़ते हैं समूचा जनपद हुसैनी संघ से सराबोर हो उठा। मौका था पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मातमी पर्व मुहर्रम के 10वीं तारीख का। कोविड-19 के नियमानुसार शुक्रवार को पूरे अकीदत व एहतराम से साथ निकाले गए छोटे जुलूस बिना किसी प्रदर्शन या बिना ढोल ताशों के इमाम चौक पर देखने को मिला। कोविड-19 के मद्देनजर आज चांद की 10वीं तारीख को खमरिया नगर पंचायत में अखाड़ा नियामत खान, अखाड़ा राजू खान स्थानों से नहीं निकाले गए ताजियों के आसपास न तो ढोल नगाड़े बजे और न ही लकड़ी व तलवारों के प्रदर्शन हुए। सब्जी मंडी बाजार में जहां से निकला जुलूस सभी ताजियादार रोने संती पूरे अकीदत के साथ फूल माल लेकर करबला को गए हैं, जिससे शुक्रवार को 10वीं मुहर्रम पर करबला में दफन कर दिया जाएगा। सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकी प्रभारी मनोज कुमार राय ने अपने हमराहियों के साथ व थाना निरीक्षक सदानंद सिंह भी रहे उपस्थित और संती पूर्वक से मनाए गए मुहर्रम की त्योहार इमाम चौक पर उपस्थित नियामत अखाड़ा अफजल खान, बब्बू अंसारी, फिरोज मंसूरी, महताब आलम, फिरोज अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं अफजल खान से मुहर्रम क्यों मनाते हैं। आप देख रहे हैं अलबाई एक्सप्रेस, मैं खमरिया भदोही से यहाँ लगी पत्रकार। क्योंकि आज मुहर्रम की 10वां दिन है, आज लोग मुहर्रम को त्यौहार को लेके बहुत गमगीनी में मनाते हैं। क्योंकि आज 10वें के दिन मुसलमान भाई लोग करबला में ताजिया लेके जाते हैं, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार ही मुहर्रम खमरिया नगर में देखने को मिला है। क्योंकि शांतिपूर्वक से इमाम चौक पर ही आज मैं इमाम चौक पर उपस्थित हूँ, क्योंकि दिखा सकता हूँ यहाँ पर बहुत बड़ी ताजिया रखा जाता था। क्योंकि एक थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि आज इमाम चौक पर एक छोटी ताजिया रख के उनका गुरबत बनाकर माला फूल चढ़ा के फातिया न्याज कराते हैं। क्योंकि छोटा सा गुरबत ही उनका एक रोजा है, इसी के अनुसार ही मुहर्रम मनाया जाता है। बिना ताजिया के छोटी ताजिया बैठाया जाता है, उसका मुहर्रम को एहसास किया जाता है। और मुसलमान भाई जमीन के त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि आज करबला के दिन लोग आज मिट्टी के दिन की याद करते हैं, माला उनके वहाँ दरबार पर चढ़ाते हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे मुसलमान भाई उपस्थित हैं, आइए उनसे हम आपका वार्ता कराते हैं और जानते हैं मुहर्रम किस लिए मनाया जाता है। आपका नाम? अब्दुल खान। मुहर्रम किस लिए मनाया जाता है? मुहर्रम ये इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कड़ी है इस्लाम की। मुहर्रम हमारे इमामे हुसैन की शहादत की याद में ये ताजिया हम बैठाते हैं और इमामे हुसैन मनाते हैं। और ये हमारी मुहर्रम की जो 10वीं तारीख है, ये इस्लाम और मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ी कड़ी है, ये हमारी शान है और हमारी शान है। आज के दिन खमरिया के अंदर बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता था, अखाड़े भी होते थे और बहुत लंबी तादाद हुआ करती थी। लेकिन कोरोना के कार्यकाल की वजह से जो सरकार की गाइडलाइन आई, उसके मद्देनज़र देखते हुए जो गाइडलाइन हम लोगों को प्रशासन शासन की तरफ से बताया गया, उसी के अनुसार हम लोग अपने त्यौहार को मना रहे हैं। और आज शहीदी का दिन है, हमारा वक्त करीब हो रहा है, हम करबला के लिए रवाना हो रहे हैं। और करबला कितने लोग जाएंगे? करबला भाई हम तो पहले तो बहुत बड़ी संख्या में जाते थे, लेकिन अब ये है कि हमारे यहाँ जितने ताजियादार हैं, हर ताजियादार दो लोग करके चले जा रहे हैं। मिट्टी देखे दफन करके फूल और माला जो हमारा होता है वो हम दफन करके अपने घर को रवाना हो जाएंगे। जैसा कि आपने सुना है कि आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है, हर जितने इमाम चौक वाले सब हैं ताजियादारी जो लोग करते हैं, जितने फूल मालाएँ चढ़ते हैं, एक व्यक्ति के साथ दो लोग जाके फूल मालाएँ चढ़ा के दरबार में चले आते हैं। आप बने रहे अल्फाई न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।